खराब पड़े सरकारी ट्यूबवेल को बनवाए जाने को लेकर जिलाधिकारी से लगाई गुहार। किसंदा थाना क्षेत्र के एक गांव के किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर खराब पड़े सरकारी ट्यूबवेल को बनवाए जाने के लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई। आपको बता दें, पूरा मामला बिसंदा थाना क्षेत्र के ग्राम अलीहा का है, जहां पर गांव के एक सरकारी ट्यूबवेल 25 दिनों से खराब पड़ा है, जिससे किसानों की जमीन सूखने के लिए पड़ी है, जिससे किसान चिंतित हैं। इसी संबंध में अलीहा गांव के ग्रामीण लगभग आधा दर्जन जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर खराब पड़े सरकारी ट्यूबवेल को बनवाए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है। किसानों ने बताया, लगभग 300 बीघा जमीन बंजर पड़ी है, जो सींच के अभाव से पड़ी है, और कई बीघे की फसल बो दी गई है लेकिन पानी के अभाव से सूख रही है। इसमें हम चाहते हैं कि अगर यह जो खराब पड़ा सरकारी ट्यूबवेल है वह बन जाए, तो कम से कम वही फसल नहीं सूखेगी और बंजर जमीन को भी हम बो लेंगे। इसको लेकर हम आज जिलाधिकारी से सरकारी ट्यूबवेल बनवाए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र देने आए हैं। मेरा नाम पंकज सिंह है। पंकज सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? अलीहा, ग्राम अलीहा। थाना बिसंडा। अच्छा, किस मामले को लेकर क्या है? क्या है मामला? ट्यूबवेल के लिए आए थे। ट्यूबवेल क्या है समस्या? 25 दिन से खराब पड़ा, उसका बोर खराब है, 300-400 बीघे जमीन बंजर पड़ी, एक भी सींच नहीं हो, जो भी बो गई वो भी सूख रही है। तो सरकार से निवेदन है कि हम लोग बहुत परेशान, हमारी दूसरी जगह जमीन भी नहीं है कि हम कहीं भी दूसरी जगह बो जोत ले, लेकिन वहीं पर है। सरकार से ये निवेदन है कि वो उसका इंतजाम जल्दी होना चाहिए। अच्छा, इसकी क्या इसकी शिकायत आपने करी कहीं और? क्या और कहीं नहीं गई, आज सीधा DM साहब के पास आए। पहली बार आए? पहली बार। अधिकारी